धोते जाओ। सांस तो लेने दे बे। इतना मजा आता भाई मैच देखने में जब इंडिया की न्यू जनरेशन से इस तरह की बैटिंग देखने के लिए मिलती है। कल साई सुदर्शन तो आज प्रभ सिमरन 34 गेंदों के अंदर 60 रन। शाबाश बेटा। और आज तो धवन भैया अलग ही नोटी बने हुए थे। जहाँ प्रीति जिंटा स्टैंड में बैठी हुई थी बार बार वही रिएक्शन दे रहे थे, चाहे वो कैच पकड़ के हो या फिर छक्का मार के। बेचारे अच्छे खासे राजपक्षे ये सोच के आए कि पिछली बैटिंग को आज कंटिन्यू करूंगा, लेकिन हमारे धवन भाई ने एक ही बॉल खेलने के बाद हाथ पे उनके बॉल दे मारी और बेचारे को एक बॉल खेलने के बाद इंजर्ड कर दिया। निकल ले भाई तू। मगर राजपक्षे का जाने का दुख पंजाब की जनता को बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि धवन भैया ने पंजाब का सारा ठेका अपने हाथों में ले लिया। और आखिरी में जो धवन भैया ने छक्का मार के प्रीति जिंटा को रिएक्शन दिया है ना भाई, मजा आ जाएगा देखोगे तो तुम। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। टेलीग्राम पे इसकी पूरी वीडियो पड़ी है तो जाके देखो। पंजाब ने 20 ओवर के अंदर राजस्थान को 198 रनों का स्कोर बनाने के लिए दिया। और बीच मैच में एक उड़ती उड़ती खबर आई कि डीसी के मैच में एक लड़की ये पोस्टर लेकर पहुंच गई कि शुक्र है उर्वशी तुम ग्राउंड में नहीं आए। और उसका आंसर मांगने के लिए उर्वशी ने अपने अकाउंट पे पोस्ट डाल दिया कि वाई। और तो और अतरंगी सीन तो राजस्थान के लिए तब हुआ जब जॉस की जगह रवि अन्ना ओपनिंग के लिए आ गए। वजह ये बताई गई कि जब जॉस ने आखिरी का कैच लपका था उस टाइम पे उनकी उंगली में चोट लग गई थी, लेकिन बेचारे रवि अन्ना का सपना सपना ही रह गया, बेचारे बिना खाता खोले वापिस चले गए। राजस्थान वालों के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सूट करी थी कि हाथ को आया पर मुंह ना लगा। भाई साहब इतने मौके बने राजस्थान के लिए मैच जीतने के, पहले रियान प्राग ने मैच बना दिया, फिर संजू सैमसन ने मैच बना दिया, फिर लगा कि 19वें ओवर के अंदर हिटमायर और जुरेल मैच को आराम से जिता देंगे। मगर आखिरी के ओवर में सैम करन ने बताई दिया कि आखिर क्यों 18 करोड़ को उनको खरीदा गया। भाई राजस्थान वालों जब किस्मत में चल रहे हो घोड़े तो कहाँ से मिलेंगे गर्मा गर्म पकौड़े। बात तो सही है। बाकी अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मैच में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।